नमस्कार बंधुरा, किछुदिन मध्य पश्चिम बंगे आईसीडीएस अंगनवाड़ी कर्मी और सहकार लिखित परीक्षा होते चले। तो आजकल भिडियोर माध्यम देखे नेब जो पश्चिम बंगे आईसीडीएस अंगनवाड़ी कर्मी और सहकार जरा कैंडिडेट रही लिखित परीक्षा से ओएमआर सीट सठिक नियमे क्यों फिलप करबें, अपनारा सठिक नियमे अपनारा अन्सार क्यों देवें, क्यों अन्सार दीते हैं, तरह संगे अन्सार देवार आगे ओएमआर सीटे हमें की जिस फिलप करते हैं, नाम, बाबार नाम, रोल नम्बर इत्यादि भावे को जिसगल फिलप करते हैं, से ही समस्त जिसगुली नहीं आलोचना करब आजकल भिडियोर मध्यमें। तर आगे बंधुरा, चैने जरा प्रथमवार इसमें चैनल के सबसक्राइब कर पशे थका बेल आइकन प्रेस कर भूलें ना। पश्चिम बंगे आईसीडीएस अंगनवाड़ी कर्मी और सहकार लिखित परीक्षा तरह संगे फ्रीते क्लस तरह संगे नियोगे आपडेट सवार आगे पे जा। तो बंधुरा एखे देखते दोटो ओएमआर सीट क्योंकि सैम्पल ओएमआर सीट क्योंकि रेखे। तो ये प्रथम जो ओएमआर सीट रही है चलो देखे नी। तो आईसीडीएस अंगनवाड़ी लिखित परीक्षा जो दीते जा तक क्यों हमें नाम लिखते हैं, ठीक है। तो नाम दुई रकम कर लिखते दे आईसीडीएस अंगनवाड़ी कर्मी और सहकार लिखित परीक्षाते को जैगा देवा थे। प्रथम अपन के घरगुली निजे नाम लिखते हैं, निजे नाम लिखार पर यह देखते ए बी सी डी ये देव आज घरगुली गोल करते हैं, ठीक है। और को जैगा गोलटी क्यों करते हैं ना। तो जे जे जैगा गोलगुली करते हैं क्यों गोल करब चलो देखे निचि। तो मन करो प्रार्थी नाम ये एक लिखी, ठीक है। तो मन कर नाम अपनार सखी, तो ये कि लिखभे प्रथम ये एस तरपे ओ एखे के एखे एच एखे आई, ठीक है। ये निजे नाम लिखभन परपर घरे मन कर टाइटल हे मंडल एक घर भाग दिए एखे एम ओ एन डी ए एल, ठीक है। ये प्रथम लिखे निलें, ठीक है, निजे नाम प्रथम लिखे नबें। तर देखने कि रही है एस, ठीक है, एस रही है प्रथम घरे। तो ये प्रथम घर प्रथम लाइन हे ये घर मध्य एस कथाय रही है से देखे नेब। तो नाम छो सखी, ठीक है। तो एस कथाय रही है चलो देखे निचि, एखे नीचे दिखे नामान। तो ये देखते ये एस रही है। तो ये एसर घर ये क्योंकि गोल कर दीते हैं, ठीक है, एसर घर टीके। तरपे हे ओ छो, ठीक है। तो ओर घर को रही है ये देखते जो ओ हेखने, तो ओर जो घर रही है से ओर घर टीके ये गोल करते हैं, ठीक है। ओर घर टीखने गोल कर लें एसओ तर के केर घर कोथाय रही है, केर घर ये रही है पर लाइने ये केर घरे ये एभवे गोल कर लें। ये किन्तु जे घरे एखाने जे घरे जे अक्षरटी लेटरटी आम्रा लिखब से लेटर नीचे दिखे लाइनर दिखे देखब कोथाय रही है से ही घरटी किन्तु आम्रा गोल कर देव। ये निजे नाम फिलप करब प्रथम, ठीक है। प्रथम निजे नाम फिलप करारे हमें लिखते हैं रोल नम्बर, ठीक है। तो रोल नम्बर क्यों लिखब, तो जे रोल नम्बर एडमिट कार्डे देवा रही है से रोल नम्बर एखे लिखब। मन करें को प्रार्थी रोल नम्बर हे एखे एक तीन दुई शून्य पाँच ये रही है। तो ये अपनारा ये लिखे नबें। तरपर ये एक घर रही है एक घर टी ए गोल कर ढेके देवें। तरपर ये तीन घर जो रही है तीन घर टी ढेके देवें। तरपर ये दर घर टी ढेके देवें। तरपर ये जिरोर घर टी एखे जे पाँचर जो जैगा रही है ये जैगाटी ये डेके दीते हैं, ठीक है। तारपर आरो एक जिनिस लिखते हैं से हे आपके जो कोश्चन देवे से कोश्चन सेटे सवार ऊपर कर्नारे दिखे देखें ए ए लिखा थको किंबा बी लिखा थको, ठीक है। दुधरण दूटी सेट है कोश्चन। तो जदि ए जा ए जे सकल कैंडिडेट ए सेट पाबें ता क्यों सेट बोले एक अपशन थको से गए ए टीके ये गोल कर देवें। जे सकल कैंडिडेट बी सेट पाबें ता क्यों ये बी टीके गोल कर देवें, ठीक है। तो ये लिखते हैं। एरपर हमें करते हैं कि एखाने जे आंसरगुली रही है से आंसरगुली फिल आप करते हैं। तो ओएमआर सीटे अनेक समय किन्तु आमादेर नामगुली के गोल करते हैं ना, अनेक समय किन्तु एइभावे ओएमआर सीट देय आमादेर देखते पाच्छेन एखाने जेमन रही है तखन कि हबे एखाने आमरा नामटी लिखे देव, ठीक है, एसओ के एच आई, ठीक है, सखी मंडल ये ये नाम लिखे देव। एखे रोल नम्बर देखते अपशन रही है रोल नम्बर परपर परपर लिखे देव। ए रोल नम्बर जो नय थे नय ये गोल करब, तरपे एक थे एक ये गोल करब, यह परपर परपर हमें क्यों घरगुली फ्लैप कर देव, ठीक है। तर संगे अनेक समय क्यों फादार नेम क्यों लिखते हैं, ठीक है, फादार नेम लिखते हम ये नेम तर नीचे फादार नेम थको से लिखते हैं। तपर हमें प्रश्न उत्तरगुली करते, ठीक है।
তো বন্ধুরা এখানে নিচের নাম, বাবার নাম এবং তার সঙ্গে রোল নাম্বার এবং তার সঙ্গে কোশ্চেন সেট ইত্যাদি জিনিসগুলি আমাদের লেখা হয়ে গেলে আমরা তারপরে অ্যান্সার করতে লাগব। তো এখানে যে জিনিসগুলি রয়েছে এগুলি আপনাদের পরীক্ষাতে থাকবে না, ঠিক আছে? একটি স্যাম্পল ওই মার্কশিট আমি ডাউনলোড করেছি, সেই জন্য এক্সট্রা এই জিনিসগুলি রয়েছে, এগুলি আপনাদের পরীক্ষাতে থাকবে না। তো এখানে আপনার রোল নাম্বারটি লিখতে হবে, কোশ্চেন সেটটি লিখতে হবে এবং নিজের নামটিকে লিখতে হবে এবং নিজের বাবার নামটি দিলেও দিতে পারে না দিতেও পারে। এখন চলে আসি আমরা যে প্রশ্নের উত্তর কিভাবে দেব। তো এইভাবে আপনারা দেখবেন আপনাদের পরীক্ষাতে কোশ্চেনে যতগুলি কোশ্চেন রয়েছে ততগুলি কিন্তু ওই মার্কশিটে এরকম করে 1, 2, 3, 4, 5, 6 এভাবে কিন্তু ওই মার্কশিটেও কিন্তু দেওয়া রয়েছে, ঠিক আছে? তো মনে করুন আপনি কোশ্চেনে 1 নম্বর কোশ্চেনটি দেখছেন, 1 নম্বর কোশ্চেনটি দেখার পরে আপনার কোশ্চেনে মনে হলো যে ডিতে যে অপশানটি দেওয়া রয়েছে সেই অ্যান্সারটি সঠিক অ্যান্সার, তখন কি করবেন ওই মার্কশিটে এসে আপনি ওই মার্কশিটে আসবেন। ওই মার্কশিটে আসার পরে যে ডি ঘর রয়েছে ডি ঘরটিকে আমাকে এইভাবে গোল করে দিতে হবে, ঠিক আছে? তো এভাবে গোল করে দিতে হবে এবং তারপরে মনে করুন আপনি 24তম কোশ্চেনটি করছেন, 24তম কোশ্চেনটি ওই মার্কশিটে কিন্তু কোনো রকম এইভাবে দাগ দেবেন না, কোনো কিছু করবেন না। আপনি কোশ্চেনে দেখে আসবেন কত নম্বর কোশ্চেনটি আপনি করছেন, ধরলেন 24 নম্বর কোশ্চেনটি করছেন, আপনার বি হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার মনে হচ্ছে, তাহলে বি ঘরটিকে এসে এইভাবে গোল করে দিতে হবে, ঠিক আছে? বি ঘরটিকে আপনি গোল করে দেবেন, এইভাবে কিন্তু আমাদেরকে কোশ্চেন ওই মার্কশিটটি কিন্তু আমাদেরকে ফ্ল্যাপ করতে হবে, ঠিক আছে? তো এখানে দেওয়া রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন সঠিক নিয়ম কী রয়েছে আমাদের ওই মার্কশিট ফ্ল্যাপ করার। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে কারেক্ট নিয়ম, এইভাবে আমাদেরকে গোল করতে হবে। তো এই চারটির মধ্যে যে কোনো একটি যদি করেন তাহলে কিন্তু ভুল সেই অ্যান্সারটি আপনাদের বাদ চলে যাবে, ঠিক আছে? তো এইভাবে কিন্তু আমাদেরকে আমাদের নিজের পরীক্ষায় ওই মার্কশিটটিকে ফ্ল্যাপ করতে হবে, ঠিক আছে? তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের ভিডিও, দেখা হবে পরবর্তী নতুন আরও একটি ভিডিওতে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, জয় হিন্দ।